पार्टी के जिला युवा जिला अध्यक्ष मैनपुरी के कार्यकर्ताओं द्वारा कस्बा ओंछा चौराहा में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हाथरस की रेप पीड़िता मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप एवं दरिंदगी के कारण हत्या हो जाने के चलते कार्यकर्ताओं ने आज मनीषा वाल्मीकि को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। शहीद पार्क पर सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने मनीषा वाल्मीकि के फोटो के आगे मोमबत्ती जलाकर एवं 2 मिनट का मौन रखकर मनीषा को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने मनीषा के साथ हुई दरिंदगी की कड़ी निंदा की एवं रोष व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मनीषा के हत्यारों को फांसी दिलवाने की मांग की है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मौजूद लोग पीस पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष सारूप अली एडवोकेट के निज निवास गांव अकबरपुर ओछा में मनीषा बहन के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में गांव के लोग उपस्थित हैं और गांव के सभी लोगों की मांग थी कि मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी की सजा हो। फांसी की मांग करने वाली पीस पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष सारूप अली एडवोकेट विनोद श्रीवास्तव, अजब सिंह यादव, सोनू गिरी, सचिन सिंह, सचिन गिरी, आकाश श्रीवास्तव, गोलू श्रीवास्तव, जयवीर संखवार, सत्यम संखवार श्रीवास्तव, आरिफ अली गोपाल गिरी, संदीप श्रीवास्तव, मनीष गिरी आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारूफ अली एडवोकेट। ये जो कैंडल मार्च निकाला है, किस माध्यम से निकाला है? कैंडल मार्च हम लोग निकाल रहे हैं कि हाथरस की एक बेटी मनीषा कुमारी जी, जिसको 4 लोगों ने बलात्कार किया और गले की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट दी और रीढ़ की हड्डी तोड़कर कल दिनांक 29/9/2020 को सुबह करीब 7 बजे वो दिल्ली एक किसी हॉस्पिटल में ख़त्म हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं की जी, और ना कोई सरकार ने ठोस कदम उठाया जी। जबकि इससे पूर्व कई ऐसे कांड हुए हैं, आप प्रियंका रेड्डी वाले देख ली, जिसमें मुलजवानों का एनकाउंटर किया गया, ऐसा ही मनीषा बहन के हत्यारों के साथ भी होना चाहिए। आज हम लोग जो कैंडल मार्च चला रहे हैं तो मनीषा बहन के न्याय के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, और हम अपने नम आँखों से आज मनीषा बहन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और सरकार से ये निवेदन भी कर रहा हूँ और मेरा सभी लोगों का आग्रह भी है कि मनीषा बहन को जल्दी से जल्दी न्याय दीजिए, जिससे उनके परिवार में जो दुख व्याप्त हुआ है उन लोगों को, उनके न्याय मिलने के बाद ही उन लोगों को तसल्ली मिलेगी। और मैं सरकार से एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ, जो पीड़िता है उसके परिवार को सहायता मदद के लिए करीब करीब 1 करोड़ रुपया दिया जाए और उन्हीं के परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। और दूसरा निवेदन और भी है उनसे, दूसरा निवेदन और भी है, एक पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। हो सकता है अभियुक्त के परिवार वाले या मोहल्ला के या कोई भी व्यक्ति उनके साथ आत्महत्या हमला न कर दें, इसलिए उन्हें न्याय का प्रावधान भी दिया जाए। क्या नाम है आपका? गोलू श्रीवास्तव। जो आपने ये कैंडल मार्च निकाला है उसका क्या कारण है जो आपने निकाला है? मनीषा दीदी को उनको न्याय मिलना चाहिए और ये मेरी तरफ से उनके लिए कैंडल मार्च निकाला हुआ है जी, और न्याय के लिए निकाला है, और जो 4 लोगों ने गैंग किया है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, उनको फांसी भी होना चाहिए और मनीषा दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए। विनोद श्रीवास्तव। ये वो आपने ये कैंडल मार्च निकाला है वो किस माध्यम से निकाला है? ये मनीषा बहन के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है, मैं चाहता हूँ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई मांग है आपकी? मांग ये है कि उन 4 को फांसी होनी चाहिए।